नमस्ते, आशा करती हूँ कि आप सब हेल्दी एंड फिट होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ भटूरे की रेसिपी। चलिए देखते हैं भटूरे बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेगी। पहले मैंने यहाँ लिया है 1 टेबल स्पून ऑयल, यहाँ पे मैंने लिया है खट्टा दही 4 टेबल स्पून, नमक अपने स्वाद अनुसार लीजिए, यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून लिया है, और मैंने यहाँ लिया है ईनो। मैंने यहाँ एक बॉल लिया है जिसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप मैदा, जो कि है 300 ग्राम मैदा। अब मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून रवा। आज मैं वे भटूरे बना रही हूँ इनो डालकर। यहाँ इनो मैंने डाला है 1/2 टीस्पून। अब इसमें डालें नमक अपने स्वाद अनुसार, मैंने यहाँ 1/4 टीस्पून लिया है, और अच्छी तरह से मिक्स कर दें। इसमें डालें 1 टेबलस्पून ऑयल और 4 टेबलस्पून खट्टा दही। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब आप इसमें डालें गुनगुना पानी, वार्म वाटर, एक साथ ना डालें, धीरे धीरे करते हुए डालें। आटे को गूंदना जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे भटूरे, तब भी बहुत ही सॉफ्ट, कुशन जैसे और फ्लफी बनेंगे। आप इसलिए इसे अच्छी तरह से पूरी ताकत लगा के गूंदें, जितनी भी आपके पास ताकत है। 20 मिनट तो अच्छी तरह से आप गूंदें। यदि आप मेरे जैसे सॉफ्ट गूंदने वाले हैं, तो यदि आपके हाथ बहुत स्ट्रांग है, तो आप बहुत अच्छे से ताकत लगा के 10 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं प्रोसेस। आटे को रेस्ट करने दें फर्मेंटेशन के लिए 1 से 2 घंटे, और उसके बाद आप इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए। इतने इंग्रेडिएंट्स में आप 8 छोटे बॉल्स बना सकते हैं। इसे हमेशा वेट करके रखिए, हमेशा ऑयल स्प्रेड करके रखिए, और आफ्टर दैट हम बेलेंगे इसे। बेलते समय ध्यान रखिए कि ज़्यादा आप इसमें आटा यूज़ ना करें, नहीं तो वो जल जाएगा तेल में। तो हल्के आटे के साथ आप इसे बेलें, और बेलने के बाद आपको मैं दिखाती हूँ कि ये आपको बहुत पतले नहीं बेलने हैं। जब आप इसे बेलें तो इसकी थिकनेस आप मेंटेन करें, और देखिए आपको बहुत पतले भी नहीं करने, और पूरी सर्कल जो है वो एक ही थिकनेस में होनी चाहिए। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है और मैंने डाल दिया है भटूरे। तेल बहुत गर्म होना चाहिए, और उसमें ही आप भटूरे डालें, तभी अच्छी तरह से फूल के आएंगे। देखिए हमारा एक साइड अच्छी तरह से फूल गया है और पक भी गया है। अब इसी तरह से आप बाकी भटूरे भी बना लीजिए। वाओ, मेरे भटूरे रेडी हो चुके हैं। डिश आउट करती हूँ मैं और आपको दिखाती हूँ प्लेट में। देखिए मैंने भटूरे बना लिए हैं, और ये मैंने सर्व किया है दही सैलेड और अमृतसरी छोलों के साथ। अरे भटूरे बहुत टेस्टी बने हैं। आपको ऐसे ही भटूरे बनाने हैं तो 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला, आटे को अच्छी तरह से गूंदिए, और दूसरा, फर्मेंटेशन प्रोसेस, आटे को रेस्ट करवाइए। इतने डिलीशियस छोले भटूरे खाने के बाद कैलोरीज बर्न करना भी बनता है। तो मैं आई हूँ वॉक से, और आपको यदि भटूरे की रेसिपी पसंद आई तो आप घर पे जरूर ट्राई करिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और मैसेज करके बता सकते हैं कि आपके कोई सजेशंस हैं। तो थैंक यू।